शांति आदि रत्न चैप्टर थ्री दीदी मनमोहिनी दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था आप एक बहुत ही नामी गिरामी धनाढ़ सिंधी परिवार से थी यज्ञ की स्थापना के समय किसी की परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक मां क्वीन मदर और लौकिक बहन शील के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई आप में अनेकानेक विशेषताएं थी आपका बाबा से अटूट प्यार था हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था आप दिल वाला की सच्चे दिल रुबा थी दीदी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी दीदी के सानिध्य में जो भी आता दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती थी जो वह बाबा का बन जाता था विभाजन के बाद सन उन्नीस से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई तब आप पहले पहले दिल्ली इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा मां के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बनी सन उन्नीस में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला दोनों ने मिलकर मात पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे शरीर दो है आत्मा एक है ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया आप 28 जुलाई उन्नीस में अव्यक्त वतनवासी बन एडवांस पार्टी में चली गई दादी मनोहर इंदिरा जी ने दीदी मनमोहिनी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाया था हैदराबाद सिंध में दीदी जी का लौकिक जन्म एक धनी मानी घर में हुआ दीदी का लौकिक नाम गोपी था गोपियां कृष्ण की प्यारी होती है तो जैसा नाम था वैसी ही उसके जीवन में चाहना थी गोपी के नाम से गोपी पने के संस्कार भी उनमें जागृत हो गए थे उन्होंने अपने मुख से स्वयं हमें बताया कि मैं श्री कृष्ण की भक्तिन थी और दिल में चाहना थी कि जैसे गोपियों का जीवन था वैसे मेरा भी हो परंतु ड्रामा में हर एक बात समय आने पर ही इमर्ज होती है अपनी कमाई से दान करने की लगन दीदी की शादी दस वर्ष की बाल्यावस्था में हो गई थी दीदी कपड़े सिलाई में बहुत होशियार थी हाथ में बहुत सफाई थी बड़े घर के होने के कारण सिलाई करने की उन्हें जरूरत नहीं थी जिसके साथ शादी की वो भी बहुत पैसे वाला था पर दीदी की भावना यह थी कि मैं जितना अधिक पैसा कमाऊंगी उतना अधिक गरीबों को दान कर पाऊंगी अपनी मेहनत से पैसा कमाकर दान करने का अधिक पुण्य मिलता है जब बाबा ने बड़े बेटे की शादी रचाई थी तब शादियों के दिन होने के कारण कपड़े सिलाई वाले नहीं मिल रहे थे बाबा को मालूम था कि गोपी बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है बाबा ने जब दीदी को कहा तो दीदी ने कहा कि मैं दो दिन में कपड़े सिलाई करके दे दूंगी जसोदा माता तो बहुत खुश हो गई इस प्रकार बाबा के घर दीदी का आना जाना प्रारंभ हो गया बाबा के घर में धन बहुत था पर धन के साथ साथ भक्ति और नम्रता भी बहुत थी बाबा से श्री कृष्ण की भासना आई जब बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ तो पहली बार दीदी अपनी मां के साथ वहां गई बाबा अपने छोटे से मकान में बैठा था गीता का पाठ चल रहा था दीदी को उस सत्संग में आनंद बहुत आया जब सत्संग पूरा करके बाबा उठा तो बाबा ने दीदी को अपने पास बुलाया और पूछा तुमने सुना तुम्हें कैसा लगा बाबा को जवाब देने के स्थान पर दीदी ने ही पूछ लिया हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू नारी को गुरु करने की जरूरत नहीं क्योंकि पति ही गुरु और परमेश्वर है बाबा ने कहा बच्ची मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मुझे गुरु बनाओ यहां गुरु बनाने की तो बात ही नहीं यह तो ज्ञान है इस ज्ञान से जीवन बनता है बच्ची अगर तुम रोज आओगी सात दिन तक सुनोगी तो तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा बाबा ने जब यह कहा तो दीदी को लगा कि यहां केवल ज्ञान सुनने आना है बाकी गुरु आदि बनाने की बात नहीं है फिर दीदी ज्ञान सुनती रही ज्ञान तो बुद्धि में कम बैठा लेकिन जब बाबा को देखती थी तो बाबा के साकार स्वरूप से श्री कृष्ण की भासना आती थी दीदी ट्रांस में नहीं जाती थी लेकिन उन्हें पक्का अनुभव होता था कि मैं श्री कृष्ण के सामने हूं इस अनुभव से दीदी के दुनिया के सब आकर्षण अपने आप छूट गए और वे भगवान के आकर्षण में बंध गई बाबा और बाबा की हर वस्तु से प्यार ओम मंडली में सत्संग करके दीदी जब घर में जाती थी तो चैन नहीं आता था मन करता था कि बाबा के पास जाऊं थोड़े समय बाद बाबा कश्मीर चले गए फिर कश्मीर से बाबा के पत्र आने लगे बाबा के पत्रों को पढ़ पढ़कर गोपी रोती रहती थी कि बाबा कब आएंगे पत्रों को छिपाकर रखती थी पत्रों को प्यार करती रहती थी बाबा के पत्रों में बहुत मिठास और रूहानी स्नेह होता था तो गोपी को उन पत्रों से बहुत स्नेह हो गया बाबा से प्यार तो बाबा की हर वस्तु से प्यार हो गया शांत समाधि में रहना एक बार इसने बाबा से पूछा कि बाबा पति कहता है कि मेरे साथ सिनेमा में जाओ तो मैं जाऊं क्या बाबा ने कहा बच्ची तुम जाना पर बाबा को याद करना तुम अपनी मस्ती में रहना शांत समाधि में रहना निज अवस्था में टिकी रहना बाबा ने कहा बच्ची तुम बड़े घर की हो ऐसा ना हो कि झगड़ा हो जाए नहीं तो सारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाएगा तुम बड़ी हो युक्ति से चलती रहना बहाना मिला दीदी का पति यूं तो अच्छा था पर एक दिन पति को बड़ा गुस्सा आ गया कभी हाथ नहीं लगाया था लेकिन उस दिन गुस्से में हाथ भी लगा दिया हाथ लगाया तो चश्मा गिर गया शीशा टूट गया दीदी को बहाना मिल गया दीदी ने कहा आप विकारों के कारण मुझे मारते हो आपको विकार प्रिय है या मैं प्रिय हूं अगर ऐसा है तो अभी ही मुझे छोड़ दो दादा चंद्रहास ये दीदी के परिवार से ही थे दीदी के लौकिक जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है जे टी चैनराय फार्म के मालिक भाई हासाराम मेरे मौसा जी अर्थात मौसी के पति थे बाल्यकाल में मैं उनके पास रहा उनके तीन बेटे अपने परिवारों सहित उनके साथ रहते थे बड़ा बेटा दुर्घटना में गुजर गया था उनकी युगल अर्थात क्वीन मदर अपने दो बेटों और दो बेटियों अर्थात दीदी मनमोहिनी तथा शील इंद्रा के साथ रहती थी जब बाबा ने सत्संग शुरू किया तो उसमें मौसा हासाराम दीदी क्वीन मदर आदि नियमित आने लगे हासाराम शहर के नामी गिरामी व्यक्ति थे इस कारण भी शहर में अच्छा प्रभाव पड़ा लेकिन अचानक ड्रामा ने पलटा खाया दादी प्रकाशमणि जी की बड़ी बहन सती का पति विदेश से आया तो उनका पत्नी के साथ पवित्रता पर झगड़ा आरंभ हुआ उससे शहर में हंगामा आरंभ हो गया कि जो ओम मंडली में जाएगी उसके पति को विष नहीं मिलेगा एंटी ओम मंडली वालों ने पहले बड़े लोग जैसे मेरा मौसा हासाराम मुखी मंगाराम आदि को बहकाना आरंभ किया हासाराम उनकी बातों में आ गया जिस कारण दीदी शील बहन क्वीन मदर तथा दादी शांता का परिवार इन पर बाधा आ गई दीदी जी तो कभी मेरे साथ छिपकर ओम निवास जाकर बाबा से मिलकर आती थी हासाराम के विरोधी हो जाने से एंटी ओम मंडली वालों को बल मिला और उन्होंने ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की नजारा बड़ा दिलकश था एक तरफ पगड़ी वाले हासाराम तथा बड़े मुखी चौधरी तो दूसरी तरफ उनकी ही माताएं कन्याए बच्चे आदि उनमें दीदी तथा शील बहन और मैं भी था आखिर अपने ही बच्चों को कहां तक भूखा प्यासा खड़े रखते उनको हारना ही पड़ा एक दो दिन यह धर्म युद्ध चला आखिर कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा दीदी को पिकेटिंग में देख हासाराम इतना क्रोधित हुआ जो दीदी को घर से चले जाने को कहा दीदी ओम निवास में आ गई तो क्वीन मदर और शील बहन भी घर छोड़ ओम निवास आ गई वहां ओम निवास के सामने ही बाबा ने एक किराए का मकान लेकर उसमें तीनों को रखा मैंने भी दीदी जी से कुछ सिलाई का काम सीखा था दादी मनोहर इंदिरा जी दीदी मनमोहिनी के साथ के अनुभव को जारी रखते हुए आगे कहती है सिलाई स्कूल चलाया दीदी के पिताजी का एक दुर्घटना में तब देहांत तो हो गया जब दीदी 16-17 वर्ष की थी क्वीन मदर कहती थी कि उनकी सारी बुद्धि इसको मिल गई इसलिए ही दीदी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी जब ये ओम मंडली में आने लगी तो सब बातों में आगे रहना अर्थात लीडर का इसका पार्ट था बाबा जिस कमेटी के आगे समर्पण हुआ उस कमेटी में भी इसका नाम था बाबा के समर्पण होने के बाद हम कन्याएं माताएं आई तो उनको पन्हा चाहिए थी हम कुमारियों पर भी शादी के लिए बंधन आता था तो हम चाहती थी कि हमें कोई शरण मिले तो हम यहां आती जाती रहे दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा मैं सिलाई जानती हूं ओम मंडली के स्थान पर आठ दस सिलाई मशीनें रख लेती हूं और दो तीन सखियों को भी साथ रख लेती हूं जो भी बांधेली कुमारियां हैं जिनको माँ बाप तंग करते हैं उनको बाबा का बनाने के लिए सिलाई सिखाने के बहाने से यहां बुलाएंगे बाबा की स्वीकृति से दीदी ने सिलाई स्कूल चलाया मैं भी सिलाई सीखने के बहाने से जाती थी सिलाई स्कूल में सिलाई भी सिखाते थे तो योग भी लगाते थे रास रचाते थे शांत समाधि में बैठते थे मम्मा बाबा भी आ जाते थे इस प्रकार सिलाई क्लास के बीच में यह रास विलास चलता था दीदी कंट्रोलर थी ओम मंडली के बाद ओम निवास खुला तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे रहने लगे कुछ समय बाद हम कराची चले गए वहां दीदी बनी कंट्रोलर और मैं बनी वाइस कंट्रोलर दीदी बड़ी एक्यूरेट और चुस्त थी स्मृति बड़ी पावरफुल थी कारोबार संभालने में बड़ी होशियार थी यज्ञ का सारा कारोबार इनके हाथ में था कपड़ा देना फैंसी सामान देना आदि आदि सब सेवाएं करती थी आठ दस बहनें उनकी मददगार थी पर सब उनकी राय से चलती थी बाबा भी मम्मा को कहता था बच्ची कोई भी काम करना हो तो दीदी से राय कर लेना मम्मा कुमारी थी यह अनुभवी थी माता थी इसलिए बाबा कहता था दीदी से हर एक कार्य में राय लेकर इसे आगे लगा देना बाबा के कहे अनुसार मम्मा पूछती थी दीदी इस बात में आपकी क्या राय है तब दीदी राय मिलाती थी कि हाँ यह हो सकता है और फिर वह कार्य हो जाता था इस प्रकार कराची में हम कई वर्ष रहे दीदी ने बाबा की राय से माउंट आबू का चुनाव किया फिर हम माउंट आबू आए माउंट आबू हमारे आने में भी दीदी का विशेष पाठ रहा भारत से कई मित्र संबंधियों का निमंत्रण आ रहा था कि पाकिस्तान में आपकी सेवाएं नहीं चलेंगी इसलिए भारत आओ दीदी के परिवार वाले दीदी को विशेष निमंत्रण देते थे कि तुम भारत में आ जाओ दीदी कहती थी ये हमारा संयुक्त परिवार है तो हम इकट्ठे आएंगे दीदी ने साफ लिखकर भेजा कि यदि आप बुलाना चाहते हैं तो सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय आएगा दीदी के चाचा लोकोमल जिनका मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल है उन्होंने लिखकर भेजा कि जैसे राजा जनक को ज्ञान मिला था ऐसे मुझको भी दो इनकी लौकिक भाभी कमला ने भी निमंत्रण लिखकर भेजा तो बाबा ने कहा दीदी तुम जाओ भारत में जाकर मकान पसंद करो पास करो फिर मैं बच्चों को लेकर आऊंगा दीदी आई तो इसने भारत के बड़े बड़े स्थानों ऊना अहमदाबाद आदि में मकान देखे अहमदाबाद में इनके लौकिक घराने के गुरु गंगेश्वरानंद ने राय दी कि आबू पर्वत बहुत अच्छा है तपस्या के लिए तो दीदी अपने लौकिक संबंधियों के साथ आबू पर्वत पर आई यहां बहुत बड़े बड़े बंगले देखे पर इतने बड़े विद्यालय के लिए पसंद नहीं आए दीदी लौटने लगी तो रास्ते में एक भाई से बातचीत हुई उसने कहा हां एक बंगला खाली है वह दिखाने लेकर गया बंगला बहुत बड़ा था राजाओं का था फिर सारा यज्ञ वहां अर्थात ब्रिज कोठी में आकर रहा चौदह वर्षों का ज्ञान कोर्स शुरू शुरू में जब हम ओम मंडली में आए थे और ज्ञान सीखने लगे थे तो हमारे परिवार वाले हमसे पूछते थे कि तुम इतनी सारी कन्याएं माताएं वहां रह रही हो तो तुम हमें ज्ञान कब सुनाओगे तो बाबा कहता था बच्ची इनको कहो हमारा चौदह साल का कोर्स है मनुष्य से देवता बनने का उसे पूरा कर आएंगे हमें बाबा की बात पर निश्चय होता था तो हमने भी ऐसा बोल दिया सचमुच हमारे चौदह साल पूरे हुए माउंट आबू आए बैगरी पार शुरू हुआ इतना जो चौदह साल हमने बाबा से पालना ली तो मन में था कि इस पालना का रिटर्न कब देंगे पहले तो हम समझते थे कि यज्ञ में ही जीना है यज्ञ में ही मरना है यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाना है लेकिन बाबा कराची में कहता था लिख कर लाओ साधुओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे राजाओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे कॉलेज में कैसे सुनाएंगे तब हमें लगता था कि बाबा हमारी बुद्धि को चलाने के लिए यह प्लान देता है नहीं तो कहा हम सन्यासियों से मिलेंगे हम सेवा के अच्छे अच्छे प्लान बनाकर बाबा के पास ले जाते थे अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालते थे दीदी और हम दिल्ली गए सेवा अर्थ दीदी बाबा से बहुत हल्की होकर बात करती थी जैसे बाबा दीदी का सखा हो उसे देखकर हमारे भी यही संस्कार पड़ गए हमारा कनेक्शन दीदी के साथ था दीदी का बाबा के साथ इसलिए हम बाबा के बहुत नजदीक आ गए बैगरी पाठ के दिनों में बाबा हमें कहने लगा बच्ची दुखी आत्माएं आपको बुला रही हैं। आप यहां बैठी हो क्या आपको संकल्प नहीं आता कि जो हमारे पतित दुखी भाई बहन है उन्हें जाकर पावन बनाए तो हमने दीदी को एक दिन कहा कि दीदी बाबा रोज रोज ऐसा कहता है तो दीदी के साथ बैठकर विचार विमर्श किया कि बाबा की इन प्रेरणाओं का राज क्या है दुनिया हमने देखी नहीं है लोगों को जानते नहीं जमाना बदल गया हम कहां जाएंगे कैसे बाबा की आश पूरी करेंगे रत्न मोहिनी दादी भी हमारे साथ थी तो हमने योजना बनाई कि जिसके भी संबंधी दिल्ली में हो तो निमंत्रण पर हम पहले दिल्ली जाएंगे और जो जो हमने कराची में सीखा वो वहां काम में लाएंगे सबसे पहले मैंने कहा दीदी दिल्ली में मेरे संबंधी हैं। तो दीदी ने कहा तुम उनको चिट्ठी डालो उनका निमंत्रण आए फिर हम बाबा को निमंत्रण दिखाएंगे फिर हमको दिल्ली से निमंत्रण आ गया हम दिल्ली गए ट्रेन में भी सेवा करते गए कुछ समय दिल्ली में दीदी के साथ रहे फिर दीदी अलग हो गई इलाहाबाद की तरफ गई और सेवाओं का विस्तार किया राजयोगिनी दादी प्रकाश जी दीदी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। मुंबई में ऑपरेशन एक दिन दीदी अपने कमरे में गिर गई थी थोड़ी चोट भी लगी थी थोड़ा बीपी हाई था फिर दीदी का एक्सरे किया गया तो बाई तरफ ब्रेन में लीची जितनी गाठ दिखाई पड़ी फिर कई डॉक्टरों की राय ली गई सभी का मत था कि दीदी का ऑपरेशन होना चाहिए यहां यह भी बात सामने आई कि एक तो दीदी उम्र वाली है दूसरा यह भी था कि बीपी ऊपर नीचे है शुगर भी है फिर राय सलाह होती रही डॉक्टर्स की राय से ऑपरेशन फाइनल हुआ मुंबई में डॉक्टर्स ने कहा आप शाम को दीदी को थोड़ा घुमाने फिराने ले जा सकते हो दीदी आई तो हॉस्पिटल में थी शाम को नरीमन पॉइंट पर घुमाने ले जाते थे दादी जानकी कोलाबा में रहती थी दीदी हॉस्पिटल में थी गाम देवी से दीदी को कार लेने जाती थी इधर से दीदी निकलती थी उधर से दादी जानकी निकलती थी नरीमन पॉइंट पर जाकर सभी दादियां मिलते थे और दीदी से थोड़ा समय रूह रिहान करते थे हंस बहल के आते थे डॉक्टर की छुट्टी थी वह कहता था कि दीदी को घुमाओ फिराओ ताकि दीदी कुछ सोचे नहीं दो सितारों के मिलन की घड़ी बीच में एक बात यह भी आई कि डॉक्टर्स ने कहा दीदी को छोटा सा ट्यूमर है वह तो बहनों ने सुना और दीदी को नहीं बताया दीदी को यही कहा ऑपरेशन होना है लेकिन किसका ऑपरेशन वो नाम नहीं बताया तो एक दिन दीदी डॉक्टर भगवती को कहती है कि डॉक्टर तुम मेरे भाई हो ना सच बताओ किसका ऑपरेशन करना है ये बहने मेरे से छिपाती हैं। कुछ सुनाती नहीं है समझती है मैं कोई डरूंगी मेरे भाई होना मुझे सच बताओ किसका ऑपरेशन है डॉक्टर ने कहा सच तो यह है कि इतनी छोटी गांठ है उसका ऑपरेशन है चुंबक का है यह सच बात है दीदी ने कहा ठीक है दादी जानकी ब्रिज इंद्रा सब दीदी के पास आते थे सुबह साढ़े दस का रिकॉर्ड बजता तो ये योग करते पूरी दिनचर्या ठीक चलती थी नर्स आती थी देखती थी ये सब चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं उसे मालूम तो था ये लोग कौन हैं? दीदी कहती थी यह हॉस्पिटल नहीं है सत्संग है दीदी कभी हंसती थी रूह रिहान करती थी कभी लेट जाती थी एक दिन हमने भी पूछा था दीदी लूडो लाए खेलेंगे जब हम गए वो तीन मिनट की सीन तो क्या बताऊं? जितने दीदी को प्रेम के मोती बहाने थे वो उसी घड़ी बहाए। बाबा ने कहा है दो सितारों का मिलन होता है वो दो सितारों के मिलन की घड़ी थी बाबा ने ड्रामा में ऐसी विचित्र जोड़ी बनाई जो सभी कहते शरीर तो दो है पर आत्मा एक है प्रैक्टिकल ऐसा है भी नेचुरल मिलने की घड़ी में भी ऐसे रहा फिर गुलजार बहन निर्वैर भाई जगदीश भाई सब पहुंचे दीदी से मिले दीदी की गोद में बैठे दीदी ने कहा तुम लोग तो बच्चे हो आओ बैठो ऐसे मिलकर हम सभी हल्के होकर बैठे थे दीदी हल्की हो गई हर्षित चित हो गई शाम को हम घूमने भी गए बाबा स्पेशल मिलने आए फिर एक पांच मिनट की प्राइवेट बात सुनाऊं क्या हमने कहा गुलजार बाबा को कहो दो मिनट मिलके जाए प्राइवेट में आए तो दीदी तो बाबा की लाडली थी बाबा बिल्कुल थोड़े मिनटों के लिए प्राइवेट कमरे में स्पेशल मिलने आए दीदी से मिले हंसे बहले दीदी को बोले तुम तो मेरी स्पेशल बेटी हो देखो तेरे लिए स्पेशल बाबा आया है क्योंकि बाबा तो आता नहीं है ना यहां खबर भी नहीं किसको दीदी तुम कोई फिक्र नहीं करना बाबा तुम्हारे साथ है बाबा जो कहता है तुम नंबर वन हो तो नंबर वन जो विन करेगा उसे पेपर तो पास करना पड़ेगा ना तुम तो बाबा की गोदी में बैठी हो ऐसे कहते बाबा हंसते बहलते रहे फिर ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन के दिन तो मिलने नहीं दिया अगले दिन हम गई हमने कहा दीदी तो दीदी ने आंखें खोली देखा मुस्कुराया बोल नहीं सकी तीसरे दिन भी मिलकर आई मैंने कहा ओम शांति दीदी ने धीरे से कहा ओम शांति उस समय दीदी पूरे कॉन्शियस में थी और तीसरे दिन थोड़ा जूस मुख से लेती रही ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ निर्वैर भाई दीदी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं अब घर जाना है कुछ समय से जब भी कारोबार की कोई बात सामने आती थी दीदी एक ही बात कहती थी अब तो घर चलना है इन बातों में अब क्या रखा है यू तो बाबा ने सबके लिए यह संदेश दिया पर उनके मुख पर हर रोज ही यह बात सुनते थे भाषा का बैरियर खत्म कर देती थी याद आता है विदेश के भाई बहने जब उनसे मिलने आते तो बड़े रमणीक ढंग से वो सबको बोलती इंग्लिश में मैं बुद्धू हिंदी में यू बुद्धू नो इंग्लिश ऐसा कहकर वो भाषा का बैरियर अर्थात बाधा खत्म कर देती और स्नेह से जो दृष्टि देती उसमें जैसे बाबा का साक्षात्कार करा देती और साथ साथ उस समय जो दो शब्द हिंदी में बोलती उन्हें कोई ट्रांसलेट कर देता वे उन सबके लिए प्रेरणादायक जीवन को पलटाने वाले महावाक्य सिद्ध हो जाते तुलसी भाई मधुबन से दीदी जी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं मैं अजमेर से हूं अजमेर का कनेक्शन दीदी के साथ था उन दिनों अजमेर में 35 से 40 मिनट तक भी ट्रेन रुकती थी हमें सौभाग्य मिलता था दीदी दादियों की स्टेशन पर सेवा करने का दीदी से मेरी पहली मुलाकात स्टेशन पर ही हुई थी दीदी अपना बनाने में बहुत होशियार थी साथ, साथ मर्यादाओं का पालन कराने में भी उतनी ही होशियार थी परख शक्ति और सूझबूझ जयपुर में फरवरी उन्नीस में एक मेला हुआ था उसकी सेवा में मधुबन निवासी आए थे उस मेले में भोली दादी भी आई थी भंडारे की सेवा में मैं भी वहां सेवारत था उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था कि यह लड़का मुझे चाहिए बाद में मधुबन में मुझे दीदी ने बुलाया मुझे स्टोर कीपर बनाया गया दीदी मुरली सुनने जाती थी तो किचन की तरफ से चक्कर लगाते हुए जाती थी उस समय मैं स्टोर ठीक कर रहा होता था इस कारण उनका विशेष अटेंशन रहा दीदी अपने और यज्ञ के राजा थे जो उन्होंने चाहा, ठीक समझा वो किया उनकी परख शक्ति सूझबूझ बहुत थी समय की पाबंद दीदी समय की बड़ी पाबंद थी एक बार अमृत वेले का योग पूरा होने पर मैंने एक लंबा गीत बजने दिया अमृत चार पचास पर मेडिटेशन पूरा हुआ मुझे लगा अरे अच्छा हुआ इस बहाने सबने चार पांच मिनट ज्यादा योग किया लेकिन 11 बजे मुझे दीदी ने बुलाया और कहा आज तुम्हारे कारण मेरी सारी दिनचर्या खराब हो गई क्यों क्योंकि गीत लंबा हुआ मैं योग से लेट आई लेट आई तो चाय ठंडी हो गई जब तक लच्छू चाय दूसरी बनवाकर या गरम कराकर लाए और मैं पीऊ तो बाथरूम में पानी जो पंडित जी रखकर गया वो ठंडा हो गया पानी ठंडा हो गया तो जब तक पंडित को ढूंढकर दूसरी बाल्टी पानी की मंगवाई जाए मैं क्लास में लेट हो गई मेरी सारी दिनचर्या खराब हो गई और तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा सफेद लाइट होने से पहले दीदी पहुंच जानी चाहिए ना दीदी के हाथ में डायरी होती थी और दीदी टाइम पर पहुंच जाती थी तो ऐसे तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी आई नहीं है तो मैं वो गीत भी इतना लंबा करूं तुमने सफेद लाइट कर दी मेरा जो रिकॉर्ड था कि मैं टाइम पर क्लास में पहुंचती हूं सारा रिकॉर्ड खराब हो गया दीदी हर कार्य में बड़ी रेगुलर पंक्चुअल थी जो भी नया आता था दीदी उसे सब शिक्षाओं से सजा देती थी मुझे शिक्षा दी कि तुम्हें संग बहुत संभाल कर करना है ज्ञान योग से भरपूर संग करना है एक बार मैंने पूछा दीदी आपको कैसे पता पड़ता है कि इस आत्मा को कहां सेट करना है दीदी ने कहा नए आने वाले को मैं चार पांच दिनों तक खाली छोड़ देती हूं फिर देखती हूं वो कौन सा डिपार्टमेंट में जाता है कहां का संग करता है तो वह वहां जाकर सेट हो जाएगा